मैंने कुछ नहीं कहा। बचपन से उसको सर पे चढ़ा रखा है। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों दो चार दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलोगे। इतने दिन जो मेरे साथ रंगरलिया मनाई उसका हिसाब कौन करेगा? आ गई अपनी औकात पे। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। से क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूं कि अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। कितना सुकून मिलता है तुम्हारे साथ। अच्छा जी, लगता है आज जनाब को बिना पिए ही चढ़ गई है, इसलिए हमारी इतनी तारीफ हो रही। नहीं नहीं, सच, उषा के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, एक नई बहार आ गई। अच्छा लगा ये जानकर कि आपको हमारी कितनी परवाह है। वाह, एक मिनट। ये लो, पूरे 1,00,000 है। तुम्हें अपनी माँ की इलाज के लिए जरूरत थी ना? हाँ, बस माँ एक बार ठीक हो जाए तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। बस एक छोटा सा काम करो, जल्दी जाओ और पानी और बर्फ ले आओ। जी, अभी लेकर आती हूँ। वो सब ठीक है, पर तुम कब आ रहे हो? मैं बोर हो रही हूँ तुम्हारे बिना। कल ही पहुंच रहा हूँ। अब खुश? सच? सोचा था सरप्राइज दूंगा, सब बेकार। तुम्हारा मूड खराब हो गया? कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ, मैं मूड बना दूंगी। अच्छा, रखता हूँ, बाय। ओके बाय। तो कब आ रहे हैं आदि? ये क्या बात हुई दिव्या, तुम्हारा झगड़ा अपने भैया से है ना, तो मुझसे नाराज क्यों? भाभी, मैं आपसे नाराज नहीं, लेकिन आप जानती है कि भैया ने अगर आपको मुझसे बात करते हुए देख लिया तो कितना ड्रामा करेंगे, और मैं वो नहीं चाहती। पापा? नहीं, अभी तक। आजकल तो उनका लेट ही आना होता है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ।
ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। सुनो ना, मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि यहीं पे ऊपर किचन बनवा लीजिए। मैं ना रोज ऊपर नीचे आ जाकर ना थक जाती हूँ। यार तुमने एक ही चीज की रट लगा रखी है, अगर मैंने ऊपर किचन बना दिया ना, दिव्या नीचे पोषण वाले घर में ना अपना हक जमा लेगी, कब्जा कर लेगी वो, ये चाहती हो तुम। वैसे वो अपना हिस्सा मांग रही है प्रॉपर्टी में, एक तो अपनी मर्जी से उस निर्दलीय आदमी से शादी कर ली उसने, अब हक जमा रही है हमारी बाकी प्रॉपर्टी में। ये सब ना पापा की गलती है, बचपन से उसको सर पे चढ़ा रखा है और पापा को इस बुढ़ापे में आशिकी सवार है। पता है पापा ने क्या किया, गांव की एक एकड़ जमीन को सिर्फ 5 लाख में बेच दिया। अब मुझे पूरा यकीन है उस 5 लाख को ना उन्होंने सरोज को दे दिया होगा। परेशान हो गया हूं मैं, मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो कभी भी। आप शांत हो जाइए, क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे। जब आएंगे ना तब बात कर लेना, अभी चाय पीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ हाँ वो तो कब के सो गए, मैं तो पापा जी का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब आएंगे। पापा जी आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। पापा जी आपका खाना। इतनी रात को किससे बात कर रही थी? वो मैं माँ से बात कर रही थी। रख ले। पापा जी अभी पैसे है मेरे पास और 2-3 दिन में निमेश की सैलरी भी हो जाएगी, तो ये आप रख लीजिए। अरे निमेश की नौकरी और सैलरी का कोई भरोसा है? आज है कल नहीं है, तू तो घर संभाल रही है, रख ले, काम आएंगे। पापा जी वो गांव वाली जमीन आपने बेच दी? मतलब निमेश को पता चल गया? हाँ, और वो गुस्सा भी कर रहे थे। अरे वो जमीन बेकार पड़ी थी, उसे कुछ मिलता तो था नहीं, बेच दी। अब ये बात निमेश नहीं समझेगा। खैर रात हो गई है, तुम जाओ सो जाओ। पर आप खाना तो खा लीजिए, आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा, तुम जाओ सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। रुक! कौन था ये? मुझे क्या पता कौन था, मैं तो सो रही थी, मुझे लगा तुम हो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लगता है चोर होगा, देख लो कुछ गया तो नहीं। चोर नहीं सारा चिंदी चोर, पर्स से पैसे ले गया सारे।
पापा जी आपकी चाय। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दी है? अरे निमेश उठे उससे पहले ही चला जाता हूँ, वरना खामा का कलेश होगा। चाय नहीं। अच्छा एक बात बता, रात को क्या हुआ था? काफी आवाजें आ रही थी। हाँ पापा जी, कल रात को घर में चोर घुस आया था। वो तो अच्छा हुआ कि इनकी आँख खुल गई, वरना पूरा घर साफ कर जाता। आप भी ना अच्छे से ताला लगा के सोया कीजिए। अरे मैं तो हमेशा ताला लगा कर सोता हूँ, तुम सब लापरवाह हो, ताला नहीं लगाते। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? अच्छा पापा मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए, मुझे पार्लर जाना। अच्छा इसलिए आज गुड मॉर्निंग हो रही है? अरे पैसे चाहिए तो अपने पति से मांग। क्यों, आपके पैसों पे मेरा हक नहीं है? हक है, लेकिन अगर अपने शौक पूरे करने तो अपने पति के पैसों से कर। ठीक है आ ही रहे ना वो, तो उनसे लेके दे दूंगी आपको, लौटा दूंगी, पर अभी के लिए दे दीजिए। ये ले, बड़ी आई लौटाने वाली। उठाइए उठाइए अपने सारे पैसे ना, पैसे लुटाइए। आधा पेट उस सरोज का भरे और आधा अपनी लाडली का। मेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, और आपने गांव की जमीन बेच दी, मुझे बताया तक नहीं। पापा आपने गांव की जमीन बेच दी, तो क्यों? क्यों क्या क्यों, सरोज के लिए, उस सरोज को पैसे देने होंगे ना इसलिए। पापा थोड़ा शर्म करिए, सारे मोहल्ले वाले ना मजाक बना रहे आपका, कहते बुढ़ापे में आशिकी चढ़ रही है आपको। अरे हमारा ना बाहर जाना मुश्किल हो गया, मुंह छुपा के बाहर जाना पड़ता है हमको। अच्छा अगर इतनी शर्म आती है तो मेरे घर से निकल क्यों नहीं जाता? यार है क्यों रहा तू? अरे मुझे क्यों निकाल रहे हो आप? इसे तो आपने निकाला नहीं, जब इसने हम सबकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी उस आदमी से, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। और शादी तो कर ली, अब उसके बाद यही पड़ी रहती हमारे घर पे। प्लीज आप ना इन सब चीजों में मुझे मत घसीटो। आप क्या बार बार ये सुनाते रहते और ताने मारते रहते कि शादी कर ली मर्जी के बिना? कर ली शादी तो, कोई गुनाह कर लिया है मैंने? और आप ये ना भूलिए मत कि पापा के जायदाद में मेरा भी उतना ही हिस्सा है जितना आपका है, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। बस करो। कैसी औलाद हो तुम, अपने बाप की खैर खबर नहीं पूछोगे, पर जब पैसों की बात आती है तो आ जाते हो अपना हक जमाने। 10 साल हो गए माँ को मरे हुए, कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं, मैं खुश हूं या नहीं? 10 मिनट आकर बैठे हो मेरे पास? अब जब सरोज के साथ मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है, उससे अपने दर्द दुख बांट लेता हूं, वो भी तुम लोगों को देखा नहीं जा रहा है? तो पापा उस चक्कर में आप अपनी पूरी जायदाद उड़ा देंगे क्या उसके पीछे? हाँ हाँ उड़ा दूंगा, मेरी जायदाद है, मेरे पैसे है, मैं चाहूं जो करूं। अगर तुम दोनों को दिक्कत है तो इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। डू यू अंडरस्टैंड? लगता है बुढ़ापे में सिटिया गए पापा, देखता हूं कैसे लुटाते हैं सारी प्रॉपर्टी अपनी। नमस्ते बाबू जी, बस अभी आया। और एक गिलास पानी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और तुम्हारी लंदन की ट्रिप कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। ये लो। आदि तुम कब आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो मेरे साथ। ये सब बाद में, पहले बताओ तुम्हारे उस नए बिजनेस का क्या हुआ, कब शुरू कर रहे हो? दिव्या वो स्टार्ट नहीं हो पाया बिजनेस, एक्चुअली पैसे की जरूरत थी इसीलिए रुका हुआ है। दिव्या तुम पापा से बात कर सकती हो, अगर वो 2-4 लाख रुपए दे पाए तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। पैसे तो है पापा के पास, कल ही उन्होंने गाँव की जमीन बेची है, पर मुझे नहीं देंगे। दिव्या तुम कोशिश करके देखो, तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर भैया को पता चला ना तो वो बिल्कुल पैसे देने नहीं देंगे। आज सुबह ही झगड़ी हूँ मैं उनके साथ, ये फिर से सुनाने लग गए कि अपनी मर्जी से शादी कर ली है, पड़ी हुई है, मायके में बैठी हुई। और दिव्या उनकी आदत है बोलने की, तुम दिल पे क्यों लेती हो?
और वैसे भी सही तो कह रहे ना वो। अच्छा ठीक है, ले चलो मुझे यहाँ से। कहाँ रखोगे? तुम्हारा खुद का कोई ठिकाना है? महीने में चार दिन तो तुम्हारे पैर टिकते नहीं है आप। एटलीस्ट पापा के यहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है। और वैसे पापा के जायदाद में मेरा भी हिस्सा, वो लिए बिना तो मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा बाबा माफ कर दो, गलती हो गई। अब इतनी दूर से आया हूँ तो एक स्माइल भी नहीं मिल सकती मुझे? ऐसे स्वागत करोगी मेरा तुम? ठीक है कोई बात नहीं। जी क्या बात है, आज आते ही पीना शुरू कर दिया, सब ठीक तो है? समझ में नहीं आता क्या करूं अपने बच्चों का, उन दोनों को सिर्फ मेरी दौलत से मतलब है। मैं जिंदा हूं, मर गया, सुखी हूं या दुखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी जायदाद की चिंता है। कैसे समझाऊं उन्हें कि मैं उनका दुश्मन नहीं हूं, बाप हूं। मेरा जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। बस इतना चाहता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे जो समझना नहीं चाहते। पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या होगा। जी और सुनिए, आप ना अपना दिल छोटा मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समझ जाएंगे सब। और आप ये पीना बंद कीजिए, मैं आपका मुंह ठीक करती हूँ। सरोज एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। मैं बाद में कॉल करती हूँ। अरे आदि आओ बैठो। जी भाभी। वो भाभी मैं बोर हो रहा था तो सोचा क्यों ना चलकर आपसे बात की जाए। क्या हुआ आदि, सब ठीक तो है? या फिर दिव्या तुमसे इतनी नाराज है जो तुम इतने दिनों बाद आए हो और बोर हो रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों दो चार दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलोगे। नहीं भाभी कैसी बातें कर रहे हो आप, सब कुछ ठीक है। पर अब दिव्या इतनी रोमांटिक नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए आपके पास आ गया। रोमांस करने? नहीं भाभी जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं मजाक कर रही थी। तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। आप बहुत मजाक किया भाभी। वैसे मैं भी बोर हो रही थी, और तुम्हें जब भी मन करे या फिर बोर हो आ जाए करो, ठीक है? और कैसा था लंदन? बस कुछ नहीं, सेटअप कर रहा हूँ बिजनेस का बहुत बड़ा। अच्छा सुनिए, डॉक्टर ने बोला है कि माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसों की और जरूरत पड़ेगी, तो अगर 1,00,000 रुपए का इंतजाम हो जाता तो। 1,00,000 और? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? जितना दे सका उतना दिया, अब और पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद अरेंज कर लूँगी। मैंने तो बस आपसे इसलिए बोल दिया था कि किसी और के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, बस इसीलिए आपको बोल दिया।
ओफो, आखिर आ ही गया लैला का मजनू मुफ्त की रोटियां तोड़ने। नाकारा कहीं का अनन्या, मेरी चाय ऊपर पूछा दो। अरे आदि, कुछ चाहिए था तुमको? हाँ वो बस पानी चाहिए था। मैं दे दू? एक बात बोले, तुम भी दिव्या की तरह निमेश जी की बातों का बुरा मानकर हमसे बात करना बंद मत कर देना। कैसी बातें करते हैं बाबा जी, दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता। अरे आदि कैसे हो? बढ़िया। और बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बाबा जी बिजनेस अच्छा चल रहा है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी फाइनेंस की, सोच रहा हूँ अगर वो अरेंज हो जाए तो बिजनेस एक्सपेंड कर लूंगा। देखो आदि, अगर तुम्हें ये उम्मीद है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो मैं पहले ही बता दूं कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी, मैं यहाँ पैसे मांगने थोड़ी आया, अब आपने पूछा तो मैंने बता दिया। खैर हाँ छोड़ो ये सब बातें, अब वो जो मैंने मंगाया था लाए तुम? आप वाला ही लाया स्पेशल, बस आप कमरे में चलिए मैं लेके आता हूँ। ग्रेट। पापा जी आपके लिए चाय लाऊं? चाय नहीं, आज कुछ स्पेशल ही पियेंगे, जल्दी आ जाओ। हाँ अनन्या जल्दी करो यार, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। आई, ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू। बाय बाय। मैंने सोचा कि वो क्या सोचा तुमने? हाँ कि मजाक कर रही तो कुछ भी करोगे। देखिए भाभी आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अनन्या क्या हो गया, क्या किया इसने? इसने मेरे साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बीवी में बुरी नजर डालेगा आज ना तेरी खाल उजड़ दूंगा मैं। भैया छोड़िए इन्हें, क्यों मार रहे, क्या किया इन्होंने? अरे मुझसे क्या पूछ रही है, पूछ इस घटिया आदमी से क्या घटिया हरकत की इसने अनन्या के साथ। अदी ये क्या बोल रहा है? दिव्या मैंने कुछ नहीं किया। ए झूठ मत बोल, एक तो मेरे घर पे पड़ा है मुफ्त की रोटियां खा रहा है और मेरी बीवी पे बुरी नजर डाल रहा है तू। बहुत हो गया तुम दोनों का, अपना बोरिया बस्तर बांधो निकलो यहां से, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं तुम दोनों को। बहुत हो गया भैया बस, अब बहुत बोल लिया आपने। मैं ना ये सब समझती हूँ, ये आप दोनों की चाल है ना हमें इस घर से बाहर निकालने के लिए, और इसीलिए आप इतना घिनौना इंजाम लगा रहे हैं मेरे पति पर। अरे पापा आप क्या चुपचाप खड़े, आप कुछ बोलिए इनको, निकालिए घर से बाहर। सर तुम्हारे पापा नहीं मेरे भी पापा है, मैं देखती हूँ कौन निकालता है मुझे यहाँ से। चुप करो तुम दोनों। अनन्या बता कैसे तेरे साथ? हाँ पापा जी। सुना आपने? पापा जी मैं सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। माफी मांग इससे, मांग माफी। सॉरी भाभी जी। पापा ये क्या किया आपने, सिर्फ माफी? अरे घर से बाहर निकालिए इन दोनों को। जरूर निकालूंगा, लेकिन सिर्फ उन्हें ही नहीं तुम्हें भी। पापा पापा मेरी बात तो सुन। जाने दीजिए उन्हें,
अब उसने माफी मांग ली ना, जान लेंगे क्या उसकी। आप ऑफिस जाइए, आपको लेट हो रहा होगा। आज से पूरा एक महीना मेरी नाइट शिफ्ट है, तो शाम को ऑफिस जाऊंगा। शादी ने पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। लंदन पहुंचते ही कॉल करना और इस बार जल्दी आना वापस। मैं पूरी कोशिश करूंगा और तुम अपना ध्यान रखना। बाय बाय। ड्रामेबाज साला। हेलो। हाँ जी बोलिए ना। व्हाट? ओके थैंक यू। क्या हुआ, किसका कॉल था? पापा इस घर का ऊपर वाला पोर्शन बेच रहे हैं, एडवांस ले लिया है उन्होंने। ये सरोज ना हमारा सब कुछ लुटवा के ही मानेगी। आज इस किस्से को ना यही खत्म कर दूंगा। अरे मेरी बात तो सुनिए। ये लो पूरे 1,00,000 है। मेरे होते हुए तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, और अगर और जरूरत पड़े तो बताना। अगर भगवान ने चाहा तो अब और पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने फिर से मेरा दिल जीत लिया, आप बहुत अच्छे हैं। ऐसे मीठी बातें करके ना सबको बर्बाद करती है ये, और तू तेरा ड्रामा ना यहाँ नहीं चलेगा। निमेश तुम्हें से बात कर, तेरी माँ सम्मान है सरोज। माँ सम्मान और ये पापा, आपने इसके प्यार में अंधे हो गए हो। सच्चाई पता है इसकी? अरे इसकी कोई माँ वाँ नहीं है, सिर्फ झूठ बोल के आपसे पैसे लेती है ये। और सिर्फ आपसे नहीं, आप जैसे और भी बहुत लोग है, वो किराने वाला लाला उससे भी पैसे लेती है ये। और तो और नेताजी, उनके साथ भी इसका चक्कर चल रहा है। ये जो आपका प्यार है ना पूरे मोहल्ले में बढ़ रहा है। ये फर्क सिर्फ इतना है ना कि वो लोग सच्चाई जानते हैं और आप कुछ जानते नहीं उसके बारे में। ये तो सच है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? अरे वाह पापा, आपको अपने बेटे की बात पे भरोसा नहीं है, तो उसकी बात पे भरोसा है? ये के सामने हमें बोल रहा है और आप सुन रहे हैं? निमेश तू जा यहां से, घर पे बात करेंगे। फिर जाता हूँ मैं, अब आना, इंतजार करूंगा आपका। और तू ये तो मैं देख लूंगा। सच कहते हैं सब, अपने अपने होते और पराए पराए। मैं तो गहरी हूं ना। बंद करो अपना ड्रामा। सही कह रहा था निमेश, मैं ही पागल था जो समझ नहीं पाया। उस दिन लाला ने मुझे बताने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा मैंने उसे खरी खोटी सुना दी। पर अब सब साफ हो गया है, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं। ये पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? इतने दिन जो मेरे साथ रंगरलिया मनाई, उसका हिसाब कौन करेगा? आ गई अपनी औकात पे। अरे तेरी औकात से ज्यादा दे चुका हूं मैं, अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। क्या हो गया, छोड़ दिया आपको सरोज ने? और एक बात बताइए, आपने इस घर का ऊपर वाला ऐसा क्यों भेजा? अनन्या और मैं कहां रहेंगे? मुझे क्या पता, जहां मर्जी हो बाहर रहो, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, हम इस घर से निकल जाएंगे, लेकिन दिव्या इसे भी निकालिए ना,
अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। ए, हलो, मेरी बात बीच में कहाँ से आई? मैं कहीं नहीं जा रही। पापा को ना तुमसे प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं। तुम निकलो। नहीं दिव्या, तुम भी आदि को बुला लो और जाओ यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और रही बात प्रॉब्लम की, तो मुझे तुम दोनों से प्रॉब्लम नहीं है। आखिर मेरे बच्चे हो तुम। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। आखिर कब तक मेरे और मेरी इस जायदाद के भरोसे बैठे रहोगे? अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। और रही बात इस जायदाद की, तो ये सब तुम्हारा ही है, तुम दोनों का ही है। लेकिन मेरे मरने के बाद, उससे पहले तुम्हारा कोई हक नहीं है। चलो अब जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, फास्ट। पापा सु पैसे तो बहुत है इस बुड्ढे के पास, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। लेकिन ये बुड्ढा ना अब मेरे झांसे में नहीं आएगा। इससे जो तुम बोल रहे हो ना वही करते हैं। ठीक है, आती हूं मैं। देखने से तो लूट का मामला लगता है। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी सर। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? सर मैंने। सुबह जब मैं चाय लेकर आई थी तब देखा कि पापा जी ऐसे नीचे गिरे हुए थे। आप? सर, शानिया मेरी वाइफ, मैं निमेश इनका बेटा और ये दिव्या इनकी बेटी। कल रात को आप लोग कहाँ थे? सर मैं तो जॉब पे था, एपीएन प्लास्टिक कंपनी में सुपरवाइजर हूँ। इस महीने मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं तो जॉब पे था। ये दोनों घर पे थी। सर मैं ऊपर अपने कमरे में थी। और आप? सर मैं भी अपने कमरे में ही थी। तो इतना सब कुछ हुआ और आपको पता भी नहीं चला? सर दरअसल ये घर दो पोर्शन में बटा हुआ है, मैं और अनन्या हम दोनों ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, पापा और दिव्या का कमरा नीचे वाले पोर्शन में। इतना सब कुछ हुआ और आपको पता भी नहीं चला? मैं अपने पति से बात करते करते कब सो गई पता ही नहीं चला सर। और सुबह जब भाभी के चिल्लाने की आवाज सुनी तब जाके मेरी आँख खुली है। पति? जी, आदि नाम है उनका, बिजनेस के सिलसिले में लंदन। मैंने बता दिया उनको, वो आ जाएंगे। आप लोग बता सकते हो घर में क्या क्या चोरी हुआ है? सर मुझे तो कुछ खास पता नहीं है, पापा की तिजोरी में क्या क्या था मैं तो नहीं बता पाऊंगा। पर मुझे पता था सर, पापा जी की तिजोरी में बहुत सारा पैसा था। हाल फिलहाल में उन्होंने गांव की एक जमीन बेची थी तो उसी का सारा पैसा था उनके पास, और माँ जी के कुछ जेवर भी थे। और किस किस को पता था कि घर में इतना पैसा रखा हुआ है? I'm not sure, लेकिन हम तीनों के अलावा आदि और सरोज को। ये सरोज कौन है? सरोज वही है सर जिसके साथ पापा का अफेयर चल रहा था, वही पापा को यूज कर रही थी सर सिर्फ पैसों के लिए। वैसे करके पापा की सारी प्रॉपर्टी बिकवा रही थी। पहले पापा ने गांव की जमीन बेची, फिर एक घर बेचा, इस घर के ऊपर का पोर्शन भी बेच दिया। फिर पापा एकदम पागल हो गए थे उसके पीछे। मुझे नहीं पता था कि पापा ने गांव की जमीन का पैसा यहाँ पे रखा है तिजोरी में। मुझे लगा कि पापा ने वो पैसा भी सरोज को दे दिया। वही बात करने में सरोज के वहाँ गया तो मैंने देखा कि पापा पहले से वहीं थे, हम दोनों की बहुत बहस भी हुई। फिर पापा ने मुझे वहाँ से भगा दिया, मैं वापस घर चला आया। कहाँ रहती है सरोज? वो कोठे वाली गली, पुराना बाजार। क्या
संजय जी का खून हो गया? हाँ, और हमें शक है कि इसमें तुम्हारा हाथ है। सर ये आप क्या कह रहे हैं, भला मैं संजय जी को क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम्हें पता था कि उनके घर में इतना सारा पैसा रखा हुआ है, और जब उन्होंने कल तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दिया तो तुमने किसी के साथ मिलकर उनके घर को लूटा और उन्हें मार दिया। सर ये बिल्कुल सच नहीं है। हाँ मैं संजय जी को लूटना चाहती थी, लेकिन अलग तरीके से। मैं उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे पैसा ऐंठना चाहती थी, लेकिन संजय जी की मौत के बाद ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। और सर कल रात को मैं नेताजी के साथ थी, आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। और भाई मिस्टर बिजनेसमैन, सुना है बहुत बड़ा बिजनेस है तेरा, काफी विदेश आना जाना होता है, लंदन पेरिस, पर कैसे? तेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। सर ये सच है कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, और ये झूठ मैंने दिव्या को पहले जाल में फंसाने के लिए बोला। दरअसल दिव्या से मैंने शादी इसीलिए की थी कि उसकी दौलत मिल सके। बड़े बाप की बेटी है, सोचा उससे शादी कर लूँगा तो जिंदगी ऐसे कटेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब उसके पापा ने निमेश के साथ साथ दिव्या को भी घर से बाहर निकालने का फैसला किया तो तूने उन्हें रास्ते से हटा दिया? नहीं सर ऐसा नहीं है, और उस रात तो मैं था ही नहीं, मैं दिल्ली में था अपने परिवार के साथ। सर भले ही मैंने झूठ बोल के प्यार का नाटक करके दिव्या से शादी की हो, लेकिन मैं दिव्या से प्यार करता हूँ सर, और मैंने अपनी सारी सच्चाई से कुछ महीने पहले ही बता दी थी, और उसने मुझे माफ भी कर दिया था सर। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि परिवार वालों की सच्चाई पता चले, इसीलिए हम ये ड्रामा कर रहे थे। सर मैं दिव्या को यहाँ से ले जाना चाहता था दिल्ली, लेकिन वो मेरे साथ आई नहीं। उसे अपने पापा की जायदाद से हिस्सा चाहिए था, इसीलिए वो। देख दिव्या, मेरी एक बात ना कान खुल के सुन ले, ये घर नहीं बिकेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन गांव वाली जमीन में मुझे आधे से ज्यादा हिस्सा चाहिए। किस खुशी में? और आज बाप को मरे एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम लोग प्रॉपर्टी का बंटवारा करने लग गए, वाह। सर आप यहाँ पर, वो भी अचानक, पता चला चोरी किसने की है? पता चल गया है, चोर का भी और कातिल का भी। कौन है वो? आप लोग इसे जानते हैं? नहीं। अनन्या जी तुम भी देख लो, कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? मैं इसे नहीं जानती। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, एक ज्वेलर के पास गया था चोरी का माल बेचने के लिए, और वहीं से हमने इसे पकड़ा है। उसने सब कुछ कबूल कर लिया है, तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। अनन्या सर क्या कह रहे हैं, कौन है ये बंदा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे तुम जानती हो या नहीं, कुछ जवाब तो दो। चुप रहने का कोई फायदा नहीं अनन्या जी, फिर अच्छा यही होगा इन लोगों को सब कुछ सच सच बता दो। हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है सनी, उसी से मैं मोबाइल पर हमेशा बात किया करती थी, और माँ के नाम से उसका नंबर सेव किया है, इसलिए कभी आपको शक भी नहीं हुआ। वो उस रात जो चोर आया था वो भी वही था। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, और तुमने पापा को क्यों मार दिया? उस रात जब आप ड्यूटी पर चले गए तो झगड़े की वजह से पापा भी अपने कमरे में जाकर लेट गए। मुझे लगा शायद पापा सो गए होंगे, तो मैंने सनी को फोन करके घर पर बुला लिया, पर पापा जाग रहे थे।
अनन्या? पापा जी। कौन है ये? पापा जी, ये मेरा दोस्त है। समझ गया, मुझे लगता था कि तू कितनी अच्छी है, लेकिन तू तो सबसे बड़ी नीच निकली। सोचता था कि भले ही मेरे बच्चे कमीने हो, लेकिन तू संस्कारी है, गुनी है, लेकिन आज तूने सारी हदें पार कर दी। आने दे निमेश को, सब बताता हूँ। नहीं पापा जी, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरे पैर छोड़, अब जो भी करेगा निमेश ही करेगा। नहीं, देख क्या रहा है, हाथ पकड़ बुड्ढे के। अगर इसे छोड़ दिया ना तो निमेश मुझे नहीं छोड़ेगा। देख रहा है, उठा इसे। और उसके बाद मैंने और सनी ने मिलकर पापा जी की बॉडी उनके कमरे में रख दी और सेफ खाली कर दी, जिससे लूट का मामला लगे। निकलो यहां से जल्दी। और फिर सनी अपने घर चला गया और मैं अपने कमरे में आ गई। हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? एक भले आदमी का गला घोटते हुए अपने बच्चों से ज्यादा वो तुम पर भरोसा करते थे, और तुम लोग इस दौलत से ज्यादा अपने बाप को समझने की कोशिश की होती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। माँ बाप के मरने के बाद इंसान सिर्फ अनाथ नहीं हो जाता, बल्कि अकेला भी बढ़ जाता है, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अब चाटना इस दौलत को जिंदगी भर। ले चलो इसे।